दोस्तों, ईज जीवन के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल में आपके डुप्लीकेट एंट्रीज या वैल्यूज को फाइंड कैसे करते हैं और उसको रिमूव कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने ई हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आपके डाटा में जो भी आपको डुप्लीकेट एंट्री या वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो जिसमें आपको फाइंड आउट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। मैं होम सेलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट होम, उसके बाद होम पे क्लिक कीजिए। होम पे क्लिक करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए और उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। ये देखिए, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो जस्ट आपका जो भी रो या कॉलम है उसको सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद जस्ट डाटा पे क्लिक कीजिए। डाटा पे क्लिक करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए। वो दे रहा है, ओके पे क्लिक कीजिए। नो डुप्लीकेट वैल्यूज और फॉर्म मेरे देवल में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज और एंट्री नहीं है। इसी तरह आप इजीली एमएस एक्सेल में आपके डुप्लीकेट एंट्रीज को फाइंड आउट भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप ई हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज उसके ऊपर क्लिक करके ई हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो